उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष ने एक बार फिर दोहराया कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, तो वहीं विपक्ष की ओर से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश की सराहना की गई। हालांकि कांग्रेस ने कहा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने साल 2012 में महिला सुरक्षा को लेकर नियम बनाए थे, अब महिलाओं को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। शायद सतपाल महाराज जी अनभिज्ञ हैं इस बात से कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2012 में लोकसभा में ऑलरेडी एक वुमेन सेफ्टी एक्ट पास किया हुआ है, प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल। ऐसे में दिक्कत यह है कि महिलाओं को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। जगह जगह पर नेताओं के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर की जगह पे हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। इस जघन्य कांड के बाद ये महसूस किया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जंगली एरिया है, बहुत दूर तक कोई आबादी नहीं होती है रिसोर्ट के, और सुनसान स्थान है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों पर भी रिसोर्ट हैं, बहुत दूर दूर के, भूगोल भी बड़ा कठिन है। इसलिए सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि इसलिए सख्त नियमावली बननी चाहिए।